अरे क्या हुआ, आप मूवी खत्म होने के बाद बताए बिना ही चली गई? बहुत डर गई थी क्या? मुझे ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, और आपको? मुझे भी, स्क्रीन पर हॉरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की दोनों अच्छे थे। वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्लच लॉक हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? लॉक तो गियर होना चाहिए ना। आपको कैसे पता कि गियर लॉक होगा? ये तो एक साइड इफेक्ट होता है ना, जैसे जैसे इंजन प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे गियर लॉक हो ही जाता है। किट्टू, अगर चाहो तो कल से मैं ही गैराज आ जाऊंगी। नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कार खराब मत करो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप 10 मिनट अंदर बैठिए, मैं कार ठीक करके आता हूँ। आप लोग ग्रेजुएट्स हैं? कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, लीज पर ये गैरेज चलाते हैं। मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंडशिप है? उससे भी पहले से। कॉफी? ओह, शहर के बाहर जो अनाथालय है ना, वो हमारा ही है। वाओ, आप लोगों ने बनाया? नहीं, हम वहाँ बड़े हुए। ओह सॉरी डैडी, हमेशा ऐसा ही करते हैं। आज लेट क्यों आया? डैडी से झगड़ा हो गया। ओहो यार किट्टू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गियर ब्लॉक हो गया शायद, एक बार देखना जरा। बाय भैया। बाय बेटा। वो कौन है? सनी नाम है उसका, उसका बाप उसे काम पर भेजता था और ये उसे स्कूल भेजता है। मंथली सैलरी और उसकी फीस भी देते हैं। हम कहते हैं हमें क्या करना है, इसके माँ बाप देख लेंगे, पर ये सुनता ही नहीं। उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गैराज पे काम पे लगा देगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है ना, एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है, ये इसकी फिलोसफी है। थैंक यू। हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद तो फ्रेंड कह के चली गई यार, उसे तेरी फीलिंग समझ भी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। मुझे भी नहीं लगता। फीलिंग्स में म्यूजिक ऐड करके अब उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। हेलो, कौन? मैं किट्टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम कार केयर। कार रिपेयर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है। कल ही रिपेयर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा? नहीं मतलब रिपेयर की थी ना, तो डेली एक बार कॉल करके हालचाल पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूँगा। मैं करूँगी। मैं करूँगा ना। कहाना नहीं। कहाना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जानकी। कुछ समझ में आया? बच्चे समझ रखा है क्या? देखो ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करना, समझ में आया? आ रहा है। किट्टू, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोज कैसे करोगे? मैं प्रपोज नहीं करूंगा। तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है, अपनी फीलिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, समझ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चाई हो तो पक्का समझ में आएगा। मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं है? तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही है ना? ए, सुनो रे, हमें अपनी बताई हुई कीमत पे गैराज मिल रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या बात कर रहा है यार तू, 3 महीने में रजिस्ट्रेशन है। सच में? सच में? हाँ? लेकिन मेरा मन तो वैजाग में ही लगा हुआ है, तू जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। ए, देख भाई, कर्जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड, फोन नहीं उठाती ऐसा सब जानते हैं यार। अबे तेरी तो, तेरे मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है क्या? जानू। हाय। वन वीक कहा था, 4 दिन में आ गई, मिस किया मुझे? नहीं करूंगी, तभी तो जल्दी वापस आ गई ना। ए, सुना ना? हाँ सुना। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आई हो? हाँ, आधे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुँची तो वार्डन एंट्री नहीं देगी, फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। मेरी जान, मेरी रानी, मेरी डायमंड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, एक हफ्ते में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो रही है, जुबली हिल्स में घर लिया है, उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाऊंगी। हाँ? ए, सुन लिया, मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे, अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वर्कर बन के काम करना पड़ेगा। व्हाट,
तुम गैरेज खरीद रहे हो? मैडम के फीट, पाँव, हमारा फेट ही बदल गया। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना है। जानू, जानू, जानू थोड़ी देर रुक जाओ। जानू प्लीज थोड़ी देर रुको ना। देखा, कार भी जाना नहीं चाहती। किट्टू, देर हो गई है, कैसे जाऊं? बाइक से, चलो चलते हैं। थैंक यू किट्टू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जानू। क्या है? कुछ नहीं, वो तुम कुछ मांगना चाहते हो? थोड़ा उधार दोगी मुझे? कल मैं लौटा दूंगा। कितने? पैसे नहीं मांग रहा हूँ, किस। ओके, किस चाहिए तुम्हें? और कल वापस भी लौटा दोगे? ज्यादा रोमांटिक मत बनो। ऐसा क्यों कह रही हो? देने पर लेने की फीलिंग और लेने पर देने की फीलिंग किस में ही तो है। दे दो ना। नो वे, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो फिर प्यार क्यों किया, सिर्फ देखने के लिए? शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रिएट किया है। प्लीज सिर्फ एक बार। किट्टू, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, प्लीज दे दो ना एक बार। अरे मारूंगी मैं। जानू, जाओ जाओ अभी। इसका एक्सप्रेशन तो देख। भाई भाई, किस मैंने किया है भाई? फील मैं कर रहा हूँ। फील भी तो मैं ही करूंगा ना। हाँ तो तू ही करना यार। हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर तुमने डुएट भी गाया? डुएट क्यों भाई? लिप लॉक के बाद गाना गाते हैं ना। क्या भैया, किस जमाने से हो? आजकल गाने कौन देखता है, हम तो सीधा सीन देखते हैं। ये लो रे सबका बोनस अमाउंट, तेरे 3000 और तेरे भी 3000। थैंक यू, दो दिन बाद वापस आ जाना। ठीक है भाई। ठीक है। ए, कार रिपेयर हो गई? हाँ, प्लग प्रॉब्लम थी, वो हो गई। यार जानकी की कार में ये बैग था। मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी। क्यों? किसको भूल नहीं पा रही हूँ। क्या इसलिए बैग भूल गई? ओह नो, उसमें 25 लाख हैं। 25 लाख? बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पापा ने एडवांस देने के लिए भिजवाए थे। हाँ? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी? संभालने के लिए तुम हो ना, टेंशन नहीं है, तुम्हारे पास रखो, कल सुबह ले जाऊंगी। मैं क्यों? अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। किसके लिए आ रहे हो, मैं सब जानती हूँ। यार कभी सोचा नहीं था कि वो पैसे दे। फोन पर दे रही हूँ, एडजस्ट कर लो। जानू कल सुबह आकर बैग ले लेगी, अंदर रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। ठीक है यार। किस दे यार? ये ले। ए, ए, किटू, किटू, ए, उठ यार, उठ, उठ, जल्दी। सुबह सुबह क्या हुआ? अरे बैग में पैसे नहीं है यार। अरे बॉब जी ने कहीं रखा होगा यार। अरे यार वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पैसे बहुत बुरे होते हैं यार, मुझे भी बुरा बना दिया। अपनी जिंदगी ग्रीस के दागों के साथ गैरेज में ही बीत गई, इसलिए अपनी बची जिंदगी को और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए पैसे लेकर भाग रहा हूँ। मुझे ढूंढ कर टाइम खराब मत करना। अरे यार थोड़ी देर में जानू आ जाएगी, अब क्या करें? इसमें क्या हुआ यार, जो हुआ वो बता देंगे, वो भरोसा नहीं करेगी क्या? वो तो भरोसा कर लेगी, उसका बाप नहीं करेगा। कहेगा 25 लाख नहीं संभाल सका तो क्या मेरी बेटी को खाक संभालेगा? अरे यार हमने गैराज खरीदने के लिए पैसे बचाए थे ना, उसमें 10 लाख तो होंगे ही, और 15 लाख अरेंज करके उसे दे देंगे ना। तू पागल हो गया क्या? अबे उसमें तो तेरे पैसे भी हैं। ए, क्या बोल रहा है रे? तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्या? सिक्योरिटी के बगैर कर्जा देने वाला मेरी पहचान में एक है। फाइनेंस कंपनी का नाम लेके तू हॉस्पिटल क्यों लेके आ रहे? बेचारा सिक्योरिटी के बगैर पैसा देता है, भागने वाले ज्यादा हो गए हैं, शायद प्रॉपर्टी हॉस्पिटल को बेच देगी। यार तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ पर क्यों आ गया? भाई, एक बात बताओ, फाइनेंस कंपनी हटाकर यहाँ हॉस्पिटल शुरू किया गया? वो इसलिए कि हमारे बिजनेस में रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो भाई ने टाइम बचाने के लिए हॉस्पिटल यहीं पर खुलवा दिया। ए, भाई आए हैं क्या? वो अंदर बैठे। भाई ये लोग कौन है? अरे आप भूल गए, उस दिन हमें मारकर भाग गया था, ये वही है। मत तो फिर से मेरे सामने। अरे भाई उसने नहीं, इसने मारा था। बगल में तो ये था ना? तब ये था ही नहीं, अभी तो है ना। आपको क्या हो गया भाई? तू बच्चा है, बड़ा होगा फिर समझ में आएगा।
तुम लोग क्यों आए हो? उस दिन पैसे लेने के लिए मुझे लेकर आए थे ना भाई, आज पैसे लेने के लिए मैं खुद आया हूं। ऐसा क्या? मेरी एक कंडीशन है, उस दिन की सारी बातें भाई को मत बताना। हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? मन चाह कर्जा दे।